Student, I hope you all are doing well. And today we will see how to factorize a perfect square into trinomials. Okay, you are given 4x square minus 12x plus 9. This one is a square of 2x, and this one is the square of 3. And this one is the product of first and third term. You can see na. So first we find the you can say factorize, I'm sorry, you can say factorize in small terms, factorize in small term, like you can factorize this one. 4x square means 2 into 2x square minus 3 is a 9, 3 into 3, and this one is, because this one is the product of first and last term, it means 2, 2 3 is a 6. Or if you do like this, like 2 into 2 3 is a 6, 2 is a 12, right? So you can write it 2 into 3 into 2, but write x as well because x is here, है ना, क्योंकि इसके साथ x है तो x भी हम लिखेंगे. और हमने पहले ही देखा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 into 2x square. अगर मैं इस x square को भी और ज़्यादा factorize करना चाहूँ तो x into x हो जाएगा, but मैं इतना नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, आपको सिर्फ simple करके दिखा रही हूँ, ठीक है. अब यहाँ पे इसको solve करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर आप इसको चेंज करते हो तो 2 इंटू 2 पेयर में है तो आप 1 2 यहाँ पे लिख सकते हो, 1x यहाँ से ले सकते हो, और इसका क्या कर सकते हो, होल स्क्वायर. अगर आप इसको 2x का होल स्क्वायर ओपन करते हो तो आपके पास क्या आता है, 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2x, ये तो हम एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि हमें एक स्क्वायर बनाना है. मीन्स 2ab, ये एक आइडेंटिटी बन गई आपकी, 2ab मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 2x, और जो ये नंबर है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, प्लस 3 स्क्वेयर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते. अब यहाँ पे हमने बना लिया, अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर, तो ये आइडेंटिटी कौन सी हो गई हमारी, a माइनस b होल स्क्वेयर, जो कि हमारी क्या होती है, a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, यही तो है आपका. तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है भाई, 2x, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 3, लेकिन किस में है, नेगेटिव में, तो आप क्या लिखोगे, माइनस 3 होल स्क्वेयर. ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर. आपको इसी वे में ईच एंड एवरी पार्ट को सोल्व करना है. तो यहाँ पे अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं तो कैसे सोल्व करेंगे, x के 4 प्लस 2 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई 4, इट मीन्स इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू, ये तो ऑलरेडी आपका दिख रहा है 2ab की फॉर्म में, 2 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर रेज टू द पावर 2, क्योंकि मुझे तो ये b स्क्वेयर की फॉर्म में लेके आना है, तो मैं वाई रेज टू द पावर 4 को कैसे लिख सकती हूँ, वाई स्क्वेयर रेज टू द पावर 2. अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या बन गई आपकी, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, इट मीन्स यू कैन राइट इट लाइक दिस, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल रेज टू द पावर 2, दैट्स योर आंसर. ओके, सो नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन दिया है इस वे में, 81 ए रेज टू द पावर 4 माइनस 72 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 16 बी स्क्वेयर, इट मीन्स आपके जो नंबर है वो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर की फॉर्म में है, तो ए रेज टू द पावर 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर आप इसको फैक्टराइज करते हो तो क्या आ जाएगा, 9 9 जा 81, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर, तो क्या बन जाएगा, 9 ए स्क्वेयर रेज टू द पावर स्क्वेयर माइनस, अब पहले हम इसको सोल्व करेंगे, 16 किसका स्क्वेयर होता है भाई, 4 4 जा 16, 4 बी, अब देखो आप यहाँ पे 4 आना था, 4 गिवन है भाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 बी रेज टू द 4 बी स्क्वेयर रेज टू द पावर 2.
अब देखो हमारे पास a की वैल्यू और b की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे फैक्टराइज भी कैसे होंगे, सबसे पहले तो 2ab में लाना है, तो 2 तो आपका होगा ही होगा। सेकंड फैक्टर क्या होना चाहिए, 9a स्क्वायर। सेकंड क्या होना चाहिए, जो थर्ड वन आपका है 2ab, बी आपके पास क्या आया है 4b स्क्वायर इंटू 4b स्क्वायर। तो यहाँ पे ये किसका बन गया, ये आइडेंटिटी क्या बन गई आपकी, जो मैंने फर्स्ट में आपको बताई थी। तो आप लिखोगे 9a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर होल रेज टू द पावर 2 आंसर। ठीक है, तो इसी वे में आपको ईच एंड एवरी पार्ट करना है बेटे, बिल्कुल सेम वे में आपके होंगे। इसी तरह से सबसे पहले आप फैक्टराइज करोगे, मींस एक आइडेंटिटी की फॉर्म में लेके आओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होगी उसको आप एक आइडेंटिटी की फॉर्म में लेके आओगे और फिर आप उसको सोल्व करके बता दोगे कि ये कौन सा फॉर्मूला हमारी कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे बन रही है। ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज है वो कम्प्लीटली इसी पे बेस्ड है। आई होप सभी पार्ट समझ में आए होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।